लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार ने विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि निर्णय पूरी तरह से योग्यता के आधार पर लिया गया। उत्तर भारत में सैन्य बलों के पुनर्गठन, पश्चिम से जारी आतंकवाद व छंद युद्ध, पूर्वोत्तर में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बिपिन रावत सबसे सक्षम जनरल पाए गए। रावत का सैन्य ऑपरेशन में अनुभव और सक्रियता उनके पक्ष में रही। आपको बता दें कि कांग्रेस और वाम दलों ने बिपिन रावत की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्विटर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आर्मी चीफ की नियुक्ति में वरिष्ठता का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, क्यों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली हारिस की जगह बिपिन रावत को प्राथमिकता दी गई। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह के बाद सबसे वरिष्ठ हैं। दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हारिस अगले सबसे वरिष्ठ हैं। इस पर सरकार ने कहा कि नियुक्ति सुरक्षा हालातों और आवश्यकताओं के आधार पर की गई है। यहां आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद हैं। दरअसल पिछले साल म्यांमार में नगा आतंकवादियों के खिलाफ की गई सफल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही वे पीएम की निगाहों में आ गए थे। पाक अधिकृत कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पूर्वोत्तर मामलों के भी विशेषज्ञ चीन पाकिस्तान सीमा के अलावा रावत को पूर्वोत्तर में घुसपैठ रोधी अभियानों में 10 साल तक कार्य करने का अनुभव है। रावत 1978 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। अपने लंबे करियर में उन्होंने पाकिस्तान सीमा के साथ साथ चीन सीमा पर भी लंबे समय तक कार्य किया है। वे नियंत्रण रेखा की चुनौतियों की गहरी समझ रखते हैं, साथ ही चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के हर खतरे से भी वे वाकिफ हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत सेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद से ही सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये सिलसिला अब कब तक जारी रहता है ये देखना फिलहाल बाकी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।